Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to tell you one more story. And आज की story है The Hare and the Tortoise. आपने सुनी होगी ये कहानी कछुए खरगोश की, जिसका मैसेज था स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे और नियमित चलने में ही जीत है. लेट्स वी विल सी नाउ. मैंने आपको बताया है ज्यादातर जो स्टोरियां होती है वो पास्ट टेंस है, तो इसे हम सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे इनमें ज्यादातर. मैंने यहाँ हाईलाइट करके बताया है, आप ऐसे आसानी से समझ सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो ही आपके लिए ये काम आएगी या स्मॉल किड्स के लिए काम आएगी, ये आपके लिए भी बहुत मददगार है. इसमें आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना आएगा, आप इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश दोनों समझ सकते हैं. साथ ही में कुछ नए वर्ड्स भी इसमें आ रहे हैं वो आपको सीखने के लिए मिल जाएंगे इसके अंदर, और जो सेंटेंस को आपस में जोड़ना है वो कैसे होता है वो भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं. सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू स्पीक इंग्लिश एंड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश. सो लेट्स वी विल सी नाउ. वंस देयर वर टू फ्रेंड्स. वंस मतलब होता है एक बार, आप इसकी जगह वंस अपॉन अ टाइम भी कर सकते हैं. देयर वर टू फ्रेंड्स, दो हैं, इसलिए हमने वर का यूज किया है यहाँ पर. एक के लिए वॉज यूज होता है और ज्यादा के लिए पास्ट टेंस में वर हम यूज करते हैं. देयर वर टू फ्रेंड्स, यहाँ पर दो दोस्त हैं, इसलिए एस का भी हमें आवाज लगाना है, प्लूरल हो गए हैं. हेयर एंड टॉर्टोइस, कछुआ और खरगोश. द हेयर वॉज वेरी फास्ट, खरगोश बहुत तेज था. एंड ही ऑफन यूज टू मेक फन ऑफ टॉर्टोइस. यूज टू मतलब होता है किया करता था. वह अक्सर कछुए का मजाक उड़ाया करता था. ऑफन मतलब होता है अक्सर. बिकॉज ऑफ हिज स्लो स्पीड, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, उसकी स्लो स्पीड के कारण. खरगोश कछुए का अक्सर मजाक उड़ाया करता था उसकी स्लो स्पीड के कारण. वन डे टॉर्टोइस चैलेंज्ड टू हेयर फॉर अ रेस. एक दिन कछुए ने खरगोश को चैलेंज का सेकेंड फॉर्म हो गया चैलेंज्ड किया रेस के लिए. द हेयर एक्सेप्टेड द चैलेंज. खरगोश ने एक्सेप्ट का सेकेंड फॉर्म हो गया यहां पर एक्सेप्टेड, उस चैलेंज को उसने एक्सेप्ट कर लिया. नेक्स्ट डे अगले दिन द रेस स्टार्टेड, रेस शुरू हुई. ज्यादातर मैंने बताया जो सेकेंड फॉर्म होता है उसमें ईडी लगता है, तो आप यहां देख सकते हैं स्टार्ट का हो गया स्टार्टेड, एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड, चैलेंज का हो गया चैलेंज्ड, डिसाइडेड मूव्ड. ये आप आसानी से इसे याद रख सकते हैं. पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म बहुत जरूरी होती है, इस बात का आप विशेष रूप से याद रखें. द हेयर रैन फास्ट, जैसे रेस शुरू हुई द हेयर रैन फास्ट, रन का सेकेंड फॉर्म हो गया रैन. खरगोश तेजी से दौड़ा एंड टॉर्टोइस मूव्ड स्लोली, और कछुआ जो है धीरे धीरे चलने लगा. इन द वे, रास्ते में, हेयर खरगोश डिसाइडेड टू टेक रेस्ट. खरगोश ने रास्ते में आराम करने के लिए जो है डिसाइड किया. डिसाइड का सेकेंड फॉर्म हो गया डिसाइडेड, और यहां टू के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें. एंड सून, जल्द ही, सून मतलब होता है जल्द ही. ही स्लेप्ट, वह सो गया. स्लीप का सेकेंड फॉर्म हो गया स्लेप्ट. बट टॉर्टोइस मूव्ड स्लोली, लेकिन कछुआ जो है धीरे धीरे चलता रहा. एंड स्टेडली, स्लोली एंड स्टेडली, धीरे धीरे और नियमित रूप से. यहां पर आपको ध्यान रखना है स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, STUDY, और ये स्पेलिंग जो है STEADY, इसका मतलब होता है नियमित रूप से. When the hare woke up, जब खरगोश उठा, he saw, उसने देखा, that कि tortoise had won the race, कि कछुआ जो है रेस जीत चुका था. had plus third form मतलब चुका था. The hare felt very ashamed, जो खरगोश था उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई. therefore, इसलिए, it is said that slow and steady wins the race, इसलिए कहा जाता है कि धीरे और नियमित चलने में ही जीते. So this is the story, it is in second form. आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, और कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको कोई स्टोरी बोलनी है या इस तरह की कोई थॉट है उस पर बोलना है आपको, तो आप आसानी से सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करके बोल सकते हैं. दिस इज वेरी इजी. यदि आप इसको और कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो पहले इसे रोक लें आप, पहले इंग्लिश का लिख लें आप इंग्लिश को, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन करें, फिर उस हिंदी को वापस से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें. इंग्लिश से हिंदी बहुत आसान है, हिंदी से इंग्लिश करने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन यदि आप इसको समझेंगे तो बहुत अच्छी चीज है, इंग्लिश बोलने में आपकी बहुत मदद करेंगे. एक बहुत अच्छी लाइन है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इंग्लिश के लिए भी ये बात लागू होती है, धीरे और नियमित चलने में ही जीत होगी. इंग्लिश इज अ वास्ट लैंग्वेज, एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है. ऑल ऑफ अ सडन ऐसा नहीं होगा कि आपको रातों रात इंग्लिश बोलना सीख जाए, तो धीरे धीरे और नियमित रूप से आप प्रैक्टिस करते रहें, एक दिन आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे. सो आई होप दैट यू एंजॉयड दिस स्टोरी. यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. पढ़े पढ़ाए देश को आगे बढ़ाएं. थैंक यू.